ओमिक्रॉन के मामले देश में 300 के पार पहुंच चुके हैं और ओमिक्रॉन को लेकर तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसलिए अब सरकार ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति और हेल्थ सिस्टम की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कोविड के इस नए वेरिएंट को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिए कि ओमिक्रॉन पर सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। सरकार मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, टीकाकरण को बढ़ाने और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने भी कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी सरकार कोरोना के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में भी आज कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। गुरुवार को सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कोरोना की स्थिति को लेकर बैठक की। सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पार्टियों को लेकर जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने तो ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया है। ओमिक्रॉन का संक्रमण अब 16 राज्यों में पहुंच चुका है और दिल्ली और महाराष्ट्र के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।